और दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कुछ लोगों द्वारा राजभर समाज के प्राचीन और महान इतिहास का विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है यह किसी के भी समझ के परे ही होगा, क्योंकि गजेटियर से लेकर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य तमाम पुरातत्वविदों ने इसे साबित किया है। फिर भी आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, जो मुख्यतः एक समूह द्वारा इसे जो है चैलेंज किया जाता है या बार बार जो है इस पर लेकिन किंतु परंतु उठाया जाता है। आप सभी को बता दें कि भर राजभर समाज बहुत ही सभ्य समाज है, बहुत ही संस्कारी समाज है और बहुत ही धैर्यवान समाज है। भर राजभर समाज किसी भी पंथ समुदाय समाज या धर्म या किसी व्यक्ति के अपमान में यकीन नहीं रखता और किसी भी बुराई के खिलाफ है। भले ही सामने वाला व्यक्ति अपशब्द भी कहे, लेकिन प्राचीन संस्कारों से भरा हुआ यह भर राजभर समाज प्रेम पूर्वक और सम्मान के साथ अपनी बात रखने में पसंद करता है। आज हम लोग एक ग्रंथ पर चर्चा करेंगे जो राजस्थान के ही राजाओं के सम्मान में 18वीं शताब्दी में लिखा गया था। आज जो बहुत से लोग हैं वो विरोध करते हैं और राजस्थान के राजाओं को अपना पूर्वज बताते हैं, तो उनके पूर्वजों द्वारा ही और उनके सम्मति से और उनके सम्मान में वह ग्रंथ लिखा गया है, जिस ग्रंथ का आज हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और प्राचीन इतिहास का संरक्षण करना जरूरी है या आपकी मर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये प्राचीन नॉलेज पहुँचेगा, बाकी आपकी मर्जी। डिस्क्लेमर है दोस्तों, हम लोग किसी भी पंथ जाति समुदाय धर्म मजहब का अपमान कभी नहीं करेंगे, हमेशा सभी का सम्मान करते रहेंगे। छत्रपति श्री संभाजी महाराज को कोटि कोटि नमन है, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को कोटि कोटि नमन है। अब तक का यह सबसे बड़ा सबूत है। वर्तमान समय में राजभर इतिहास का विरोध करने वालों के पूर्वजों ने भी माना है कि भर जाति क्या थी, योद्धा थी। क्या अब वे अपने पूर्वजों द्वारा स्वीकार किए गए सत्य को भी मानेंगे, यही तो प्रश्न है कि यदि उनके पूर्वजों ने माना है कि भर एक योद्धा जाति शासक जाति थी, तो क्या आप अपने पूर्वजों की भी बात को नहीं मानेंगे, यही तो प्रश्न है जो हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं। यह वंशदार रियासत यह गुजरात में पड़ता है, लेकिन इसके रियासतदार कहाँ से थे, तो राजस्थान के राजा महारावल जी, श्री प्रताप सिंह जी, गुलाब सिंह जी राजा साहेब, इनकी रियासत सन 1896 AD में था और इनके पूर्वजों ने राजस्थान से आकर बंसड़ा रियासत की स्थापना गुजरात में की थी। और ये हम रेफरेंस ले रहे हैं, ये कौन सा एविडेंस है देख लीजिए आप लोग भी, द हिंद राजस्थान, इस ग्रंथ का नाम है द हिंद राजस्थान। कंपाइल किया गया यानी संकलन किया गया है किसके द्वारा, तो मकरंद मेहता जी BA LLB थे उस जमाने में। किस जमाने में, तो ये आगे देखिए 1896 तब ब्रिटिश काल था और तब जो है रियासत चलती थी, रियासतें चलता था, नवाबी चलता था उस जमाने में। 1896 में ये जो मेहता जी हैं इन्होंने कंपाइल किया है, संकलन किया है, एक ग्रंथ का संकलन किया है द हिंद राजस्थान। इस ग्रंथ का उन्होंने क्या किया है संकलन किया है 1896 में ब्रिटिश टाइम पे, अंग्रेजों के काल में, और उनके सम्मति से किया है। ये आगे देख लीजिए, अब ये देखिए क्या लिखा है, टू ऑनरेबल दो बार लगाया गया, मान्य सम्मानी सम्मानी महारावल श्री राजा श्री प्रताप सिंह जी, गुलाब सिंह जी राजा साहेब बहादुर बंसदा, इनको डेडिकेट किया गया है, उनको ट्रिब्यूट देने के साथ साथ डेडिकेट किया गया है इस ग्रंथ को। और इस ग्रंथ में लिखा गया है, दिस हम्बल एफर्ट ऑफ माइन हैज बीन विद काइंड परमिशन डेडिकेटेड बाय योर हाइनेस डिवोटेड एडमायर एंड हम्बल सर्वेंट अमृतलाल। देखिए अमृतलाल शाह जी बापा वाला पब्लिशर ने महाराज जी को डेडिकेट किया है। किस महाराज जी को, ये नाम है, इन महाराज जी को यह ग्रंथ डेडिकेट किया गया है और कहा है कि हम्बल एफर्ट ऑफ माइन, मेरा हम्बल एफर्ट है, कोशिश है राजा जी के चरणों में, डिवोटेड एडमायर माने डिवोटेड माने एकदम भक्ति भावपूर्ण एडमायर करने वाला, यह पब्लिशर ने लिखा। और किस राजा जी के चरणों में ये कर रहे हैं, वो है श्रीमंत महारावल श्री प्रताप सिंह जी, गुलाब सिंह जी राजा साहेब। कहाँ के ये हैं, रियासत के हैं, तो बंसदार स्टेट 1896 AD। ये राजा साहब की तस्वीर है, ये आप देख लीजिए, यहाँ देखिए गुजराती में भी लिखा हुआ है, श्रीमद महाराज श्री प्रताप सिंह जी, गुलाब सिंह जी, ये देखिए 18वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है और राजा जी को समर्पित किया गया है, जो राजस्थान के राजा थे उन्होंने बंसदा रियासत स्थापित किया गुजरात में। और ये पहला चैप्टर में देखिए किस तरह की जानकारी इसमें है, तो स्टेट एंटाइटल्ड टू सल्यूट ऑफ
21 गन्स जो 21 तोपों की सलामी के हकदार थे, ऐसे स्टेट ऐसे राज्यों का इसमें विवरण है। उसमें उनकी एरिया कितनी थी, पॉपुलेशन कितना था, उससे रेवेन्यू यानी राजस्व कितना प्राप्त होता था, ये सारी जानकारियाँ इसमें। जैसे आईने अकबरी आपने देखा था, जिसमें स्टेट उसका एरिया उसका सारा जानकारी था, किले के बारे में, कितने वहाँ पर सेना है, कितने घुड़सवार है, कितने हाथी हैं और कितने अन्य जो है सिपाही हैं, पैदल सैनिक कितने हैं, ऐसे इसमें भी सारी जानकारियां हैं। और इसमें 21 तोपों की सलामी के जो हकदार स्टेट थे। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए पेज नंबर 30 जो आपने पढ़ा, ग्रंथ का नाम हिंद राजस्थान यहाँ लिखा हुआ है, और ये माधव प्रसाद सिंह जी अधरगंज राय, इनके बारे में यह ग्रंथ जानकारी दे रहा है कि ये सन इन 1248 द एनकेस्टर ऑफ राय माधव प्रसाद सिंह बरियार सिंह लेफ्ट द संभलगढ़ एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एट सुल्तानपुरी नवर। बताया जा रहा है कि 1248 में बरियार सिंह जी जो राय माधव प्रसाद सिंह जी थे, उनके एनकेस्टर बरियार सिंह जी संभलगढ़ राजस्थान को छोड़कर यहाँ पर आ बसे। कहाँ पर आ बसे? सुल्तानपुर अवध में आ बसे। ये उनकी जानकारी है, ये उनका जो डिटेल्स है ये उनके द्वारा बताया जा रहा है। अब आगे देखिए और क्या जानकारी देते हैं। ये माधव सिंह हैं, तो माधव प्रसाद सिंह जी थे, ये माधव सिंह हैं ऑफ अमेठी राजा, अमेठी के राजा माधव सिंह जी के बारे में ये बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि सुधा राय अ कछवाहा राजपूत ऑफ जयपुर लेफ्ट हिज होम एट नवरगढ़ एंड सबडूइंग द भर ऑफ अमेठी बिल्ट अ फोर्ट ऑफ रायपुर एंड सेट हिमसेल्फ अप देयर। हिज डिसेंडेंट इन 66th डिग्री वॉज मनधाता सिंह। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुधा राय जो कछवाहा राजपूत जयपुर के थे, उन्होंने नवरगढ़ राजस्थान का जगह छोड़ा, वहाँ पर अपना राजपाट छोड़ा और वह कहाँ आ गए? अमेठी में आ गए। और उन्होंने किसको हराया? भरो को हराया। अमेठी में भरो को हरा के यहाँ पर एक किला बनवाया, मतलब भरो के किले पर सुदृढ़ करके किला बनवा लिया और उसमें वो रहने लगे। ये जानकारी कौन दे रहा है? ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जानकारी कोई और नहीं दे रहा है, ये जानकारी कोई अंग्रेज नहीं दे रहे हैं, ये जानकारी कौन दे रहा है? यह ग्रंथ दे रहा है, जो ग्रंथ हिंद राजस्थान के नाम से ग्रंथ है, जो राजा साहब के परमिशन से लिखा गया था, राजा साहब को डेडिकेट किया गया था और राजा साहब के कहने के अनुसार इसे लिखा गया, जिसमें सारी जानकारियां उपलब्ध है। अब बताइए, अब राजा साहब के ने ये जरूर ग्रंथ को पढ़ा होगा, 200-300 पेज का ग्रंथ है, जब उनके परमिशन से लिखा जा रहा है, उनके लोग लिख रहे हैं, तो राजा साहब तो जरूर पढ़े होंगे। तो ये राजस्थान के राजा साहब ने यह ग्रंथ लिखवाया है, उसको पढ़ा भी है और उसको भली भांति जानकर उन्होंने लिखवाया है कि भाई भर वहाँ अमेठी के राजा थे। तो फिर आज के लोग क्यों उस चीज़ को गलत बता रहे हैं? आज के लोग अपने पूर्वजों द्वारा बताई गई चीज़ों को क्यों गलत बता रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बार बार बताया है, फिर बता रहे हैं, चंद्रगुप्त के काल में इंडिका ग्रंथ जो है उसमें भर शासकों का जिक्र है। एडी पहली शताब्दी में शिलालेख मिला है पावनी में, जिसमें पाली भाषा में भर राजा लिखा हुआ है। आईनी अकबरी में भरों के 2 किलो का वर्णन है और भर राजा थे, ऐसा भी क्लियर वर्णन है। महोबा के दान पत्र में भर राजा ने दान दिया है जो 300-350 बीघा, उसका अभिलेख अभी भी है। पुरातत्व तो विभाग के कई रिपोर्टों, कई गजेटियर में भर राजाओं का साफ साफ वर्णन है। ब्रिटिश काल के रियासत दरों और तालुकेदारों और जमींदारों द्वारा लिखा गया जो भी वर्णन है, उस वर्णन में भी भर शासकों या भर योद्धाओं का वर्णन आता है। अब इतना सारा एविडेंस होने के बाद भी यदि कोई कहे तो उसके लिए क्या जवाब है? यह तो हमारे समझ के परे है। तो क्या आप अपने पूर्वजों के द्वारा बताई गई जानकारी को भी, उनके आदेश से ही संकलित की गई जानकारी को भी वो लोग नहीं मानेंगे? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, जो यक्ष प्रश्न है, जवाब उनको देना होगा। तो दोस्तों, अच्छा लगा जानकारी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये उनकी बात है, उनके पूर्वजों ने लिखा है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।